पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता कर दी गई है। ये देखिए, ये लाल किले का मेन एंट्री गेट है और यहाँ पर जो ट्रक है, बस है, उसको खड़ा कर दिया गया है और बकायदा लाल किले से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। जब भी कोई आ रहा है यहाँ पर आम शख्स लाल किले को देखने के लिए, तो जो लाउड स्पीकर है उसे अनाउंस किया जा रहा है कि लाल किले को बंद कर दिया गया। उसके अलावा अगर ये देखेंगे एंट्री गेट, पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था, किसान जो प्रोटेस्टर थे वो लाल किले के अंदर दाखिल हो गए। ये मेन गेट है, यहाँ पर इस तरह से ट्रक एक के बाद एक कई ट्रक यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं, पुलिस कर्मियों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। तो कोशिश यही है कि अगर कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली में एंट्री कर जाता है और लाल किले की तरफ आता है तो किसी भी तरीके से लाल किले में दाखिल हो पाए। पहले देखिए, लोहे की ये बैरिकेटिंग है, एक के बाद एक कई लोहे की बैरिकेटिंग यहाँ पर रखी गई। उसके बाद सामने की तरफ बस को खड़ा कर दिया है पुलिस ने, ताकि अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए तो वो लाल किले के गेट के अंदर एंट्री ना कर पाए। उसके बाद इस तरीके से एक के बाद एक कई जो ट्रक हैं वो यहाँ पर खड़े किए गए हैं और फिलहाल लाल किला आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अरविंद ओझा, दिल्ली।